पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मशहूर उपन्यासकार नीरज वर्मा खूबसूरत वादियों के बीच बैठकर अपना नया उपन्यास पूरा करते हैं। रात को एक समारोह के लिए खंडाला जाने के लिए वो रवाना होते हैं। तूफानी मौसम की वजह से नीरज वर्मा की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। सुधा, जो नीरज वर्मा की असिस्टेंट है, नीरज के न आने से चिंतित हो जाती है। नीरज के दोस्त CBI ऑफिसर को फोन करती है, जो उसे तूफानी रात में ढूंढने निकलते हैं। उनका कुछ पता नहीं चलता। नीरज को कविता नाम की एक औरत बचाती है, जो उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक है। वो नीरज की बहुत सेवा करती है। नीरज से उसका नया उपन्यास पढ़ने के लिए अनुमति मांगती है। उपन्यास कुछ अध्याय पढ़ने के बाद कविता क्रोधित हो जाती है और अचानक कुल्हाड़ी लेकर नीरज वर्मा की तरफ बढ़ती है। अब आगे। को तुम यहां क्या कर रही हो? कविता, ये क्या कर रही हो तुम? कविता, नहीं नहीं कविता, सुधार देते तुम यहां रोल लिख ही नहीं सकते। हम उसे खत्म कर देते। देखो कविता, पागलपन मत करो। जला देते हम इसे। नहीं कविता, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। कविता, तुम ये क्या कर रही हूँ? मैं तुम्हें जला दूंगी कविता। नहीं कविता, मुझे मालूम है कि तुम ये नहीं कर सकती। नहीं कविता, मैं तुम्हें जला दूंगी। अगर तुमने इसे नहीं जलाया तो मैं तुम्हें भी जला दूंगी। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। मुझे भी बहुत तकलीफ हुई थी मिस्टर नीरज, मुझे भी बहुत तकलीफ हुई थी जब मैंने पढ़ा कि रचना मर जाती है। नहीं, ये क्या कर रही हो तुम कविता? जलाओ। जलाओगे तो नू चलाते।
गुड बॉय। लो तुम्हारी गोली का वक्त हो गया, मुंह खोलो। ऑफिसर नौ, हमारे लिए एक चैलेंज है। मिस्टर नीरज की तलाश हमारे लिए एक मिशन है जिसे हर हाल में पूरा करना है। हर गली, हर रास्ता, हर मोड़ पर उसकी तलाश करो और खबर लगते ही मुझे फोन करो। आई एम वेटिंग फॉर अ कॉल। इज दैट क्लियर? या अंकल, परेशान मत होइए प्लीज। परेशानी की बात है बेटी, नीरज एक मामूली आदमी नहीं है। वो हमारा दोस्त भी है और एक बहुत बड़ा राइटर है। वो दो दिन से गायब है और हमारे पुलिस का यही जवाब है की तलाश जारी है। पता नहीं उसे जमीन खा गई, आसमान निकल गया। उसे किसी भी हालत में हमें ढूंढना है। सच बात तो ये है कि मैं भी परेशान थी, पर आपको परेशान देखकर मैं भी चुप रही। भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक होगा। हेलो, यस, बोल रहा हूँ। क्या पहाड़ के नीचे गाड़ी मिली? नंबर क्या है? MAR 6848। ये तो नीरज की गाड़ी। क्या वहां कोई नहीं? आई सी। क्या हुआ सर? पहाड़ के नीचे नीरज की गाड़ी मिली, बैडली डैमेज्ड। लेकिन वहां नीरज नहीं। सर वो सेफ तो हो गए ना? 100%। जिसके साथ लाखों आदमियों की दुआएं हो, दोस्त का प्यार हो, उसे कुछ नहीं हो सकता। वो जहां भी होगा सेफ होगा। क्या कर रहे थे तुम? कुछ नहीं। यहाँ क्या कर रहे हो? गला सूख रहा था, पानी लेने जा रहा था। गलती मेरी है, मैं ही पानी रखना भूल गई। I'm sorry। चलो उठो नीरज जी। देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। लो ना, ये अच्छा ना। अब तुम ये कहानी दोबारा लिखोगे जैसी मैं चाहती हूं, लेकिन इस बार रचना मेरी होगी जैसी मैं चाहूंगी। लिखोगे ना? नहीं। क्यों? मैं इन पेपरों पे नहीं लिखता। क्या खराबी इन कागजों में? ये पेपर मेरे स्टैंडर्ड के नहीं है। ओहो, स्टैंडर्ड के नहीं है? तो फिर तुम्हारी स्टैंडर्ड के पेपर्स कैसे होते? मैं डीलक्स बॉन्ड पेपर पे लिखता हूँ। डीलक्स बॉन्ड पेपर पे लिखता हूँ, इतनी मेहनत से मैं लाई थी। डीलक्स बॉन्ड पेपर पे लिखता हूँ।
शिट। ए मिस्टर, ये भी कोई तरीका है गाड़ी चलाने का? इतना हॉर्न बजा रही हूं मैं, सुनाई नहीं देता आपको? अगर आप गाड़ी नहीं चला सकते अपने ड्राइवर से क्यों नहीं चलवाते? अभी गाड़ी ठुक जाती तो नुकसान किसका होता? होल्ड ऑन मैडम, होल्ड ऑन। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम मेरी नहीं, प्रॉब्लम आपकी है। आपको मालूम होना चाहिए कि वन वे है, दिस इज वन वे स्ट्रीट, गलती आपकी है। ए, मैं कभी गलती नहीं करती, मैं कभी गलत नहीं होती। इंसान जो कुछ भी करता है वो ऊपर वाले की मर्जी से करता है। अभी भी जो कुछ भी हुआ है वो उसकी मर्जी से हुआ है। गलती मेरी है, मैं कभी गलत नहीं होती, समझे? चलो चलो गाड़ी निकालो अपनी। स्टैंडर्ड के पेपर, ठीक है। औरत नहीं डाइन है।
क्या बात है, पसीना क्यों छूट रहा है तुम्हें? वो मैंने दवाई नहीं खाई थी ना, इसलिए थोड़ा सा परेशान था। धनी मैं कैसे भूल रही हूँ, मैं अभी लाती हूँ, पकड़ो तो। डीलक्स बॉन्ड, खुश हो ना? अभी नहीं। सुनो अब दवाई खा ली है ना, अब लिखना शुरू करो। इस बार आपने रचना को जैसे पोट्री किया है ना, बिल्कुल मेरी कल्पना से उतरी है वो। मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच। तुम्हें पसंद आया? हाँ बहुत। सो लेट्स सेलिब्रेट इट, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन सेलिब्रेट कहाँ करेंगे? यहाँ पर कैंडल लाइट डिनर, लेकिन ट्रीट मेरी तरफ से होगी। आप क्या ट्रीट देंगे? आपकी ट्रीटमेंट तो मैं कर रही हूँ। घर तुम्हारा है, खाना तुम बनाओगी और खाएंगे हम दोनों, तो ट्रीट हुई ना मेरी तरफ से। आप बहुत ही ओवर स्मार्ट हो। ठीक है, मैं आपके पसंद का खाना बनाऊंगी, लेकिन आप भी मेरे पसंद का लिखिए, ठीक है? लीजिए लीजिए ना। आखिर कौन 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 कौन
चमकाना। आखिर कौन, आखिर कौन, आखिर कौन, आखिर कौन, आखिर कौन, आखिर कौन।